हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन के ऊपर जो स्लाइड है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो दिस शॉप डज नॉट हैव द टॉयज आई वाज लुकिंग डैश। वो कह रहा है ये जो शॉप है, ये दिस शॉप डज नॉट हैव द टॉयज, इस शॉप पे टॉयज नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसके लिए मैं ये शॉप को देख रहा था, तो यहाँ पे आपका फॉर आएगा। तो सेकेंड इज ब्रूस डिड नॉट फेयर वेल डैश हिज एग्जामिनेशन। तो ब्रूस ने अपनी फेयरवेल नहीं दी थी इन हिज एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सेकेंड में आपका इन आएगा। थर्ड इज द सन विल नॉट राइज डैश 6 o'clock, तो बिफोर 6 o'clock आएगा। फोर्थ इज आई हैव कंप्लीट कंप्लीटेड माई टेस्ट टिल फ्राइडे। यहाँ कंप्लीटेड होगा, टेस्ट होगा, बाय फ्राइडे आएगा। तो देयर इज अ रिफ्ट डैश दीज टू किड्स। वो कह रहा है यहाँ पे एक रिफ्ट है बिटवीन टू दीज टू किड्स, इन दोनों बच्चों के बीच में यहाँ पे एक रिफ्ट है। पीपल हैव गिवन एविडेंस डैश पोर्ट ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। पीपल ने अपना एविडेंस दे दिया है इन स्पोर्ट ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन आएगा। तो थिंग्स डज नॉट स्प्रेड इंस्टेंटली डैश द होल नेशन। जो वो कहता है थिंग्स जो है वो स्प्रेड नहीं हुई थी, सॉरी, इंस्टेंटली अराउंड द होल नेशन। यहाँ पे आपका अराउंड आएगा। दे शी स्प्रिंकल्ड शुगर एंड सिनेमन डैश द एप्पल्स, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑन द एप्पल्स, ठीक है। शी लुक्ड अप न्यू डॉलर स्ट्रीट एंड डाउन द न्यू डॉलर स्ट्रीट डैश अ साइन ऑफ जॉय आर यूफस, तो यहाँ पे आएगा आपका न्यू डॉलर स्ट्रीट डैश डैश फॉर अ स्ट्रीट साइन ऑफ जॉय, ठीक है, फॉर आएगा यहाँ पे। वुमेन गैदर डैश द कोर्ट यार्ड, वो कह रहा है वुमेन गैदर हुई थी अराउंड द कोर्ट यार्ड क्लीनिंग द हस्क फ्रॉम क्लीनिंग द सीड्स फ्रॉम द हस्क एंड चैटिंग विद ईच अदर, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, चैट कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। वॉक डैश द रो ब्रिज लीड्स टू 64 acre आईलैंड ऑफ अनिसारगढ़ मा डैश, ठीक है। अ वॉक आगे क्या आएगा आपका, अ वॉक ओवर द रोप ब्रिज आपका ओवर आएगा। और ग्रीफ इज डिफरेंट फ्रॉम दोस डैश यू, वो कहता हमारी जो ग्रीफ है वो डिफरेंट है फ्रॉम दोस, अब आगे क्या आएगा, फ्रॉम दोस ऑफ यू, तुमसे हमारी जो क्या है ग्रीफ जो है वो दैट इज डिफरेंट। तो ये आपके 12 सेंटेंसेस हो गए। तो नेक्स्ट हमारा आएगा द फादर गिलिगन वॉज ओवरवर्कड एंड एक्सट्रीमली टायर्ड एज ही वॉज कैप्ट अटेंडिंग डैश द सिक। ही वॉज कैप्ट अटेंडिंग टू द सिक, किसको अटेंड कर रहा था, सिक को, ठीक है, जो बीमार था। रियलाइजिंग योर ओन शॉर्ट कमिंग्स कैन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर इन द ईयर्स टू कम, तो यहाँ पे आपका आएगा इन, ठीक है। एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो डैश ऑल दैट, यहाँ पे आएगा आपका थ्रू ऑल दैट, ठीक है। वन का रेज्ड हिज आईज डैश द डार्क विंडो पेन, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, टू द डार्क विंडो पेन टू आएगा। तो वी एक्सप्रेस इट आइदर डैश बाय बीइंग असर्टिव और एग्रेसिव, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं आइदर बाय बीइंग असर्टिव और एग्रेसिव, तो यहाँ पे आएगा बाय। द बेनिफिट्स डैश प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद लंच एट स्कूल फॉर ओवरवेट द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, तो यहाँ आएगा द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स, जो बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। मोस्ट स्टूडेंट्स बेनिफिट डैश इंटरेक्शन विद फेलो स्टूडेंट्स आउटसाइड स्कूल और मोस्ट स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन, किससे, इंटरेक्शन से, तो यहाँ पे आएगा आपका फ्रॉम। नेक्स्ट शी आस्क्ड डैश फॉर द डायरेक्शन टू द शॉप, शी आस्क्ड अराउंड फॉर द डायरेक्शन टू द शॉप, वन नो बट नो वन सीम टू नो द एग्जैक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे आएगा अराउंड, ठीक है। शी देन ब्रोक डैश विद सैम बिकॉज ही रिफ्यूज टू हेल्प हर, शी देन ब्रोक, अब क्या आएगा, एट आएगा, टू आएगा, अप टू आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अप, अप विद सैम, तो यहाँ पे अप आएगा। द अपोजिशन पार्टी वर्कड फॉर ओवर अ ईयर टू ब्रिंग डैश द प्रेसिडेंट, यहाँ पे आएगा
ओवर अ ईयर टू ब्रिंग डाउन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को डाउन करने के लिए. आई कॉल्ड डैश माई बॉस टू लेट हिम नाउ आई वुड नो नॉट कम इन द नेक्स्ट डे. आई कॉल्ड, यहाँ पे आएगा आई कॉल्ड अप माई बॉस, ठीक है, कॉल किया था मैंने अपने बॉस को. शी आस्क्ड डैश द प्लेस वेयर द टी वॉज फ्रॉम. शी आस्क्ड अबाउट द प्लेस, आएगा अबाउट, वो प्लेस के बारे में पूछ रही थी, यहाँ से ये टी आई थी, चाय आई थी. द स्कूल ब्रॉड स्कूल बोर्ड एग्री डैश लुक इन टू द स्टूडेंट्स कंप्लेन. स्कूल बोर्ड एग्री था टू लुक इन टू द स्टूडेंट्स की कंप्लेन देखने के लिए, ठीक है. तो ये सब आपके क्या थी, प्रिपोजिशन पे 25 सेंटेंसेस थे. आई होप कि आप समझ पाए होंगे किस तरीके से फिल किया होगा, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी प्रिपोजिशन कहाँ कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये नेक्स्ट आपका जो है, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है. तो ये आपकी प्रैक्टिस वर्क है, तो आप इसको घर में पढ़िए अच्छे से और आंसर फिल कीजिए कौन कौन सा आंसर आएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके साथ कौन कौन सा आंसर हम फिल करेंगे, ठीक है. तो गाइस, ये हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आप अपने अच्छे से इसको रीड करके फिल कर लीजिएगा, आंसर मार्क कर लीजिएगा. तो देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी. तो दिस इज फॉर योर होमवर्क. ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.